सम्यास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि गोभी और अदरक को कैसे आप एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पे दो फूल गोभी लिया है बड़े साइज का। आप और ज़्यादा भी स्टोर करके रखना चाहते तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको रखना है। पहले हम गोभी को छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। तो मैंने अलग अलग कर लिया है, देखिए इतने सारे निकले हैं। अब इसके हमें दो दो टुकड़े करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फूल नहीं रखने हैं, छोटे छोटे से रखने हैं। देखिए इस तरह से आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। इसको हमें धूप में सुखा के रखना है। अब मैं अदरक को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं उसको मैं बता रही हूँ। तो मैंने अदरक को पहले धो लिया है, उसको कद्दूकस कर रही हूँ। सारे अदरक मैंने कद्दूकस करने के बाद एक थाली में फैला लिया है। आप कपड़े में फैला के इसको धूप में रख सकते हैं। 4 से 5 दिन में सूख जाता है। देखिए 4 से 5 दिन में सूख गया है। अब इसको एक कंटेनर में हमें भर के रख देना है और जब चाय बनाना है तो उसमें डाल के चाय को पीना है। यहाँ पे मेरी गोभी भी अच्छे से सूख गई है। 10 से 12 दिन लगे गोभी को सूखने में। और हमें जब सब्जी बनाना है तो हमें एक मुट्ठी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वो पानी में डालने के बाद बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और फूल जाते हैं। तो हमें उतना ही लेना है जितना आपको बनाना है। गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताना, मैं ये सब्जी बना के दूसरे वीडियो में बताऊँगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।